नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेनु सुनीता। दीपावली पर्व के मौके पर 4 जुलाई को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जा रहा है, तो वहीं हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से गंगा उत्सव को धूमधाम से मनाया। आपको बता दें कि नमामि गंगे के तहत जहाँ पूरे देश में गंगा उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं गंगा उत्सव के तहत हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज को चयनित किया गया है। महाविद्यालय की छात्राओं ने कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर प्रभा शाह के नेतृत्व में 3 दिन तक चले अभियान में स्वच्छता और क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से गंगा नदी की स्वच्छता के लिए कॉलेज सभागार में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। आयोजक डॉक्टर प्रभा शाह ने बताया कि 4 जुलाई को देश में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जा रहा है, जिसके तहत 2 जुलाई से 3 जुलाई तक कॉलेज में कार्यक्रम किए गए। उनका कहना है कि नमामि गंगे के तहत गंगा की संपर्क में आने वाली नदियां, नाले, नहरों की साफ सफाई के लिए लोगों को जन जागरूक भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे कॉलेज की छात्राओं का कहना है कि नमामि गंगे के तहत उन्होंने पहली बार गंगा उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया और कई प्रकार की जानकारियां उन्हें कार्यक्रम के माध्यम से मिली। नमामि गंगे जो प्रोग्राम हम कॉलेज की तरफ से इसमें पार्ट ले रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले नहीं हुआ है। हमने नदियों को साफ करने का जो नारा हम लेके चल रहे हैं कि क्या आपको ध्यान नहीं, ये नहर है, कूड़ादान नहीं, क्योंकि छोटी छोटी नदियाँ मिलकर ही गंगा बना रही है। गंगा को एक बारी में हम साफ नहीं कर सकते। उसके साथ ही जागरूकता कार्यक्रम हमारे अलग भी चल रहे हैं, जैसे हम सड़कों की सफाई भी कर रहे हैं और कॉलेज में भी हमारे अलग सांस्कृतिक प्रोग्राम, और जैसे क्विज, मैम ने बताया क्विज प्रोग्राम हुआ, उससे हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं कि गंगा से जुड़ी हुई बातें हम लोगों को बता रहे हैं। केंद्र सरकार का कार्यक्रम है नारी नमामि गंगे करके, तो ये हमारे कॉलेज को प्रोजेक्ट मिला है इसका, और हर कॉलेजों को नहीं मिला, ये हमारे कॉलेज का सौभाग्य है कि हमारे कॉलेज को इसका प्रोजेक्ट मिला है। कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने कल एक क्विज किया, जिसमें हमने गंगा नदी से संबंधित काफ़ी प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम हमारा था, उसमें काफ़ी प्रश्नोत्तर दिए गए थे, जिसमें वो भी हमारा सफल रहा। और अभी हमने आज इनमें सांस्कृतिक प्रोग्राम चलाया है, वो सांस्कृतिक प्रोग्राम में हमने गंगा से संबंधित जो रंगारंग कार्यक्रम थे वो हमारे बच्चों ने किए, और उसमें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे कुमाऊँ की संस्कृति को दर्शाया, हमारे कुमाऊँ के एक एक त्यौहार को उन्होंने इस पर लिया है, और एक एक और उसमें मेन कारण, मेन चीज़ इसमें यह है कि हम इस नदी को साफ, नदी के साथ साथ हमने क्या करा है कि यहाँ पर के जितने भी छोटी छोटी नदियाँ हैं, गूल हैं, नहरें हैं, उनको साफ़ करने का हो गया। क्यों? क्योंकि ये उनका बड़ी गंगा नदी का ही प्रतिनिधित्व करती हैं, तो इसलिए इसकी स्वच्छता की ओर को हमने बहुत ध्यान दिया है। तो ये थी हमारे संवाददाता सचिन जोशी की रिपोर्ट। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।